अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिफरेंस बिटवीन कोहेजन एंड कोहेरेंस को डिस्कस करेंगे। इसके डेफिनेशन में क्या क्या डिफरेंसेस है, इसके फीचर्स कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है, एग्जांपल्स के जरिए इन डिफरेंसेस को अंडरस्टैंड करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने कोहेजन एंड कोहेरेंस पर डिटेल वीडियो बनाई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे तो कोहेजन एंड कोहेरेंस दोनों का मतलब है टू स्टिक टुगेदर, लेकिन यहाँ पर जो हमने मीनिंग्स राइट डाउन की है, इट इज़ जस्ट फॉर सेक टू क्लियर द कॉन्सेप्ट। सो कोहेजन मीन्स कनेक्शन विद इन सेंटेंसेस। सेंटेंसेस में जो ग्रामेटिकल एंड वोकेबलरी कनेक्शन है उसको हम कोहेजन बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड कोहेरेंस इट मीन्स रिलेशनशिप बिटवीन आइडियाज़ एंड अ टेक्स्ट, और आइडियाज़ के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको हम कोहेरेंस बोलते हैं। द सेकेंड डिफरेंस बिटवीन कोहेजन एंड कोहेरेंस इज कोहेजन रेफर्स टू द ग्रामेटिकल एंड लेक्सिकल कनेक्शन बिटवीन वर्ड्स फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस। सेंटेंसेस वर्ड्स एंड फ्रेजेस की बीच में जो ग्रामेटिकल एंड लेक्सिकल कनेक्शन है उसको हम कोहेजन बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड कोहेरेंस इट रेफर्स टू द लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन वर्ड्स फ्रेजेस सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स। वर्ड्स फ्रेजेस सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स के बीच में जो लॉजिकल कनेक्शन है उसको हम कोहेरेंस बोलते हैं। द थर्ड डिफरेंस इज कोहेजन डिस्कसेस द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस एंड अ टेक्स्ट। कोहेजन ये सेंटेंस के स्ट्रक्चर को डिटरमिन करता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से ही इज़ अ गर्ल, सो दिस सेंटेंस इट फॉलो द इंग्लिश लैंग्वेज स्ट्रक्चर विच इज़ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सो तो कोहेजन ये किसी भी लैंग्वेज में स्ट्रक्चर को डिटरमिन करता है। ऑन द अदर हैंड कोहेरेंस इट डिस्कसेज द रिलेशनशिप ऑफ आइडियाज़ एंड अ टेक्स्ट। किसी भी टेक्स्ट में जो थीमेटिक रिलेशनशिप है कोहेरेंस उसको डिस्कस करता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से अली इज़ अ बॉय, ही इज़ इन क्लास 9 एंड ही इज़ सो टैलेंटेड, तो यहाँ पर ये सेंस दे रहा है कि हम अली के बारे में बात कर रहे हैं, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। द फोर्थ डिफरेंस इज कोहेजन डील्स विद द ग्रामेटिकल एलिमेंट्स एंड अ टेक्स्ट। अ कोहेजन का मेन फोकस ग्रामर पर होता है। फॉर एग्जाम्पल, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, पोल्यूशन इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट टू अर्थ, स्पोर्ट्स आर गुड टू हेल्थ। जितनी भी सेंटेंसेज यहाँ पर हमने एग्जाम्पल्स में ली है, ये सारे सेंटेंसेज करेक्ट है बोथ एट द ग्रामेटिकल लेवल एज वेल एज द लेक्सिकल लेवल, लेकिन यहाँ पर ये एक आइडिया पर फोकस नहीं कर रहा है, ये सेंस को कन्वे नहीं कर रहा। ऑन द अदर हैंड कोहेरेंस डील्स विद द लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ अ टेक्स्ट। जो लॉजिकल कनेक्शन है, जो लॉजिकल सीक्वेंसिंग है, उसको हम कोहेरेंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, इट कॉजेज लंग्स कैंसर, ब्लड कैंसर एंड अदर रेस्पिरेटरी डिजीजेज, तो यहाँ पर इन सारे सेंटेंसेस से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पैराग्राफ ये डिसएडवांटेजेस ऑफ स्मोकिंग के बारे में है। तो यहाँ पर लॉजिकल कनेक्शन है और इसी की वजह से हमें पता चल रहा है कि ये पैराग्राफ किस आइडिया को लेकर आगे चल रहा है। द फिफ्थ डिफरेंस इज कोहेजन डील्स विद द करेक्ट यूज़ ऑफ वोकैबुलरी एंड सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेज। कोहेजन का मेन फोकस वो करेक्ट यूज़ ऑफ वोकैबुलरी एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। वोकैबुलरी में हम कोहेसिव डिवाइसेस को लेते हैं, सच एज सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सब्स्टिट्यूशन, रेफरेंसेस, कोलोकेशंस एट्सेट्रा। और करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर से यहाँ पर हमारा मतलब जो ग्रामर है, जैसे कि हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस को लेते हैं, फिर नरेशंस को लेते हैं, और जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उन पर होता है। एग्जाम्पल के जरिए इसको अंडरस्टैंड करते हैं। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, पोल्यूशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट्स टू अर्थ। बोथ ऑफ दीज सेंटेंसेस आर करेक्ट एट द लेक्सिकल लेवल एज वेल एज द ग्रामेटिकल लेवल, लेकिन ये टेक्स्ट कोहेसिव है बट इट इज़ नॉट कोहेरेंट, क्योंकि ये एक आइडिया को लेकर नहीं चल रहा, ये इसका मेन फोकस सेंटेंस स्ट्रक्चर पर है और वोकेबलरी पर है। दीज सेंटेंसेज दे आर कोहेसिव बट इट इज़ नॉट कोहेरेंट। While coherence deals with the ideas which lead to the text to a logical conclusion, coherence में आपका main focus वो logical connection और logical conclusion पर होता है। For example, अगर हम disadvantages of smoking को ले लें, so we all know that smoking it is injurious to health, it causes blood cancer, lungs cancer and other respiratory diseases such as asthma. तो इसमें कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप भी है और ये लॉजिकल कंक्लूजन को भी लीड कर रहा है। एंड दैट इज स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ एंड स्मोकिंग हैज़ मैनी डिसएडवांटेजेस। तो कोहेरेंस में हमारा मेन फोकस वो लॉजिकल कनेक्शन पर होता है, मेन आइडिया पर होता है, ना कि सेंटेंस स्ट्रक्चर और वोकेबलरी पर। द सिक्स डिफरेंस इज कोहेजन कम्बाइंस डिफरेंट वर्ड्स टू फॉर्म सेंटेंसेस। बहुत सारे कोहेसिव डिवाइसेस का यूज़ करके हम डिफरेंट कोहेसिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। ऑन द अदर हैंड कोहेरेंस कम्बाइन सेंटेंसेस टू फॉर्म डिस्कोर्स एंड दिन पैराग्राफ्स।
कोहेरेंस में एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस रिपीट करता है और वो सेंटेंसेस एक ही टॉपिक को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर वो डिस्कोर्स बनाते हैं और पैराग्राफ्स बनाते हैं। सेवन डिफरेंस इज कोहेजन इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रामर एंड सेंटेंसेस। क्योंकि कोहेजन का मेन फोकस वो ग्रामर होता है तो इसलिए कोहेजन को हम ग्रामर एंड सेंटेंसेस भी बोलते हैं, जबकि कोहेरेंस इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रामर एंड डिस्कोर्स। और कोहेरेंस का मेन फोकस वो डिस्कोर्स पर होता है तो इसको हम ग्रामर एंड डिस्कोर्स भी बोलते हैं। The other difference is cohesion is all about language connectivity. Cohesion में हमारा main focus वो language पर होता है कि एक word दूसरे word के साथ, एक phrase दूसरे phrase के साथ और एक sentence दूसरे sentence के साथ कैसे connect हुआ है। क्या ये active passive voice में use हुआ है, क्या ये passive voice में है, यहाँ पर narrations कौन कौन से use हुए हैं, parts of speech कौन कौन से use हुए हैं और कौन कौन से cohesive devices का use करके ये sentences, words और phrases एक दूसरे से connect है। For example, Ali and Zain are best friends. They love playing football. ये जो दूसरी सेंटेंस में they यूज हुआ है इट रेफर्स टू अली एंड जैन, they are best friends and they love playing football. On the other hand, coherence is all about semantic, यानी कि मीनिंग कनेक्टिविटी। कोहरेंस में मेन फोकस वो मीनिंग पर होता है। फॉर एग्जाम्पल अली सेज मे आई टेक यूर शेक्सपियर एंड देन जैन रिप्लाइज येस वाई नॉट। तो अली और जैन इन दोनों में कन्वर्सेशन चल रहा है तो एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड से कह रहा है कि मैं तुम्हारा शेक्सपियर का बुक ले सकता हूँ, तो द अदर रिप्लाइज दैट येस ऑफकोर्स यू कैन टेक इट। तो यहाँ पर मेन फोकस वो कॉन्टेक्स्ट पर होता है, वो मीनिंग पर होता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट यू गेट आवर न्यू वीडियोज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।